दोबारा से बोलता हूं, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कर सकते हो तो। पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अब सुनो, तो करना क्या है, सिर्फ इस बात को समझना है। अगर ये बात समझ आ गई, अब आपका दिमाग कैसे चलेगा, अब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो मेरी इस बात से रिलेटेड हो। अभी आपको ऐसे लाखों हजारों लोग नजर आ रहे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फिर आपको ऐसे हजारों लोग नजर आएंगे पूरी दुनिया में जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपको नजर वो आ रहे हैं जो सारे हार्ड वर्क वाले लोग हैं, बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा एक रिक्शे वाला करता है, लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगी, बड़ी बुरी तरह से दिमाग में बैठ गई है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस डिग्री के बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा, इस नौकरी के बिना काम, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में उठाया हुआ, क्या क्या। तो जिसकी ये कंडीशनिंग टूट गई वो कुछ भी कर सकता है। वहां से शुरुआत हो जाएगी आपको ये रास्ते दिखने की। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे जो बात मैं बोल रहा हूं, तब तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब आप एक्सेप्ट तो ये करते हो कि बहुत मुश्किल है, और मेरे कहने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई आसान रास्ता, टट्टू दिखेगा, भूल जाओ, कुछ नहीं दिखने का। आसान दिख भी गया उसको भी मुश्किल बना दोगे। सोच ही ऐसी है। एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है, अरे बहुत रास्ते पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है। सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हाँ ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं इस बारे में बात करता हूँ ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिजायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो करें क्या, थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या, किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपकी बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है, क्या ट्रैप है बताओ। आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है, कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का। ये खतरनाक। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, दो महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा, रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा,
उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज। उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, बहुत है, अनलिमिटेड है। अपनी गाड़ी लेकर के आया ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकेंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकेंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही पुराने कपड़े। मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था? अपना सारा बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में मेरा सारा ध्यान वहां पर था। उसका ध्यान कहां था? पैसे का। तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी, उसको हवा दे दी कि तुम मेरे को पैसा लगा दे, यहां पर मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे, एक साल में 60% इंटरेस्ट आ, डेढ़ साल में पैसा डबल। वो बावला गया। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप ये तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब के खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आ करके कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1,00,000 रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा एक साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आ करके कहता संदीप तू ये कहां धक्के खा रहा है? पागल लोग जरा पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहां से प्रिंट बनवा के लाता है, ये करता है वो करता है, धक्के खाता है, क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? तेरे पास में कितनी सेविंग्स है, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ डेढ़ साल के। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा। कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है वो, अपनी ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, एक महीना रिटर्न आई तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1,50,000 रुपये भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, उसने 1,50,000 और लगा दिया, फिर उसने यहां से पैसा लिया वो भी लगा दिया, कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया वो भी लगा दिया, करते करते उसने 1,00,000 रुपये लगा दिए और उसकी लग गई, बुरी तरह से लग गई। लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी, क्योंकि ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चला, और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ये आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया, बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर थे, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो पर पैसे से चिपक नहीं रहे, एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में।
जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओ। अजीब लग रहा है सुनने में? आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आग्रह करूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है, करेगा? तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, मैं करूंगा। जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं ये सुनिए कहानी किसी ने। वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर दी, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो आजाद है, कोई और नहीं मान रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है वो चनों का डिजायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के डिजायर की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर, ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। पापा फिंगर क्या कहती है, पैसा आ रहा है ना, अरे कर ले कुछ भी काम कर ले, इसमें स्कोप ज्यादा है, अरे तू कर ले ना, इंटरेस्ट छोड़, तू पढ़ ले, तू घुस जा उस कॉलेज के अंदर, पैसा तो आ जाएगा, लाइफ तो सेट हो जाएगी। सेट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेट? कि आपको चाहे लोहे की चेन से बांध दिया, चाहे सोने की चेन से बांध दिया, अरे चेन तो चेन है। क्या सेट? पिंजरा तो पिंजरा है, सोच है। आपने सोच में किसको पकड़ा है? अब आपने मेरे से पूछा कि भाई मैं थॉटलेस स्टेट में कैसे रहता, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे क्या, आपके बाप से भी कुछ नहीं चाहिए, अब बताओ क्या करोगे? मेरा फॉलो करना है करो, नहीं करना है तेल लेने जाओ। ऑब्वियसली ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना किसी और से कुछ चाहिए। बिजनेस रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया, जब तक रहेगा अपनी तरफ से पूरा 100% डालूंगा, किसी वजह से कल नहीं रहा किसी और काम में लगा दूंगा अपना 100%। अगर लाखों में कुछ लोग भी आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग, बाकी सबके लिए उम्मीद जिंदा रहती है, नहीं तो उम्मीद ही कहां है। जिंदगी को जीने का सबसे समझदार तरीका क्या है और सबसे बेवकूफों वाला तरीका क्या है जिंदगी को जीने का? अगर इसको दूसरे वे में बोलूं तो इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन है और सबसे बेवकूफ कौन है? 99.99% वैसे खचरों में आएंगे, बेवकूफों में आएंगे। तो 0.01% है जो समझदारों में आ सकते हैं, और वो चॉइस अभी है आप लोगों के सामने। जो बंदा ये मान लो कि अगर पूरी जिंदगी में खुश रहा तो क्या उसको ये नहीं कहेंगे कि वो सबसे समझदार है? या उसको कहेंगे सबसे समझदार जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हाँ, जिसने नोबेल प्राइज जीता है, या ये किया है वो किया है, लेकिन अंदर से लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब समझ गए? एक है दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अंदर से जो पूरी लाइफ अगर आप देखोगे, मतलब जो अंदर से जो खुशी होनी चाहिए थी या जो मस्ती होनी चाहिए थी, लाइफ में कोई मजा नहीं है, कोई अंधा कुआ है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे इस दुनिया को, इसमें सब नीचे ही नीचे गिर रहे हैं, अंधेरे में, ऊपर कोई नहीं जा रहा है, देख के लग रहा है उल्टा जो जितना ऊपर चला गया इस दुनिया के हिसाब से उस अंधे कुएं में उतना ही नीचे जा चुका है, उतना ही अंधेरे में है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, वो इतना नीचे पहुंच चुका है, इतना नीचे कि अब अगर उसने बोला जो दुनिया के हिसाब से ऊपर है
कि अब अगर उसने बोला कि यहां पर कुछ नहीं है तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी, हाँ दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी उसका कि इसका मतलब क्या है कि तूने इतना सब किया उसके बाद भी तू खुश नहीं है, तू खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तेरे को वो सब कुछ मिल गया जो हम चाहते हैं कि हमें मिले फिर भी तू खुश नहीं है, तो क्या करेगा अपना एक हंसता हुआ चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, अरे मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये बेस्ट रास्ता है, ये है। उसे पूछो अपना माइंड काम है तेरा, मन शांत है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, फियरलेस है, रात को अच्छी नींद आती है बिना गोलियों के, टेंशन फ्री लाइफ है, क्या तेरे पास वो करने की आजादी है जो तेरे अंदर से आ रहा है, ये आजादी कहां से आती है, ये सोच से आती है। अगर आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया आजादी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो क्या होगा, आज नहीं तो कल हो जाओगे। मतलब इट इज नॉट दैट कि मैंने बोला, आपने अपने माइंड में एक सोच बनाई कि मैं आजाद हो जाऊं और मैं आजाद हो जाऊंगा एक महीने बाद, एक साल बाद, नहीं, लंबा रास्ता है, जान लगानी पड़ेगी, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, बारीकी से आगे बढ़ना होगा। सपोजिंग आपने कोई काम किया, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको लगा मैं आजाद हो गया, बाद में आपने देखा बॉडी की वॉट लगी हुई है, समझ गए, पैसा कमाने के चक्कर में बॉडी ही लग गई, अब कहां आजाद हो आप, तो अब आपने कहा चल यार बॉडी पे काम करता हूं, आपने बॉडी पे काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ से पता लगा आपकी वाइफ आपके या अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, अब आपकी वॉट लग गई, अब हेल्थ भी गया, इधर से आप देवदास बन गए, उधर से बिजनेस करने का आपका मन नहीं कर रहा, कहां आजाद हो, फिर कुछ आया उसने आकर के आपको पकड़ लिया, फिर कुछ ने जकड़ लिया, जैसी एक चीज आपको जकड़ती है बाकी सब चीजों में आप धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हो, कभी भी देख लेना, तो कहां से आजाद हो गए, कैसे हो गए, पूरी तरह से सोच से, ये जो सोच है ना आजादी वाली सोच, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब हर तरफ से पूरी तरह से आजादी अपनी हर तरह की ऐसी सोच से जो आपको नीचे गिराती है, तो आपको नजर आने लग जाएगा अरे तेरी ये भी अपने आप में एक ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, कुछ भी नहीं चाहिए। द मोमेंट यू अंदर से जिस दिन आप बोल देते हो, अंदर से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, जिस दिन अंदर से आप क्या आने लग जाता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे ना भगवान से, अब आप आजाद हो।